जमशेदपुर के साक्षी बाराद्वारे वृद्धा आश्रम में विभिन्न संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आज कंबल कपड़ा का वितरण किया गया और आर्थिक सहयोग भी किया गया। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण, अखिल विश्व गायत्री परिवार, महिला मंडल टाटा नगर, स्वदेशी जागरण मंच, टेलको न्यू मार्केट, हनुमान मंदिर महिला समिति द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर साक्षी के बाराद्वारे वृद्धा आश्रम में पहुंचकर आर्थिक सहयोग किया गया और कंबल कपड़ा का भी वितरण किया गया। मेरा नाम राजपति देवी हुआ, मैं जमशेदपुर महानगर स्वदेशी जागरण मंच का संयोजक हूँ और हमारी जसवीर बहन और मंजू बहन के साथ हम लोग सभी बहनों के साथ हम लोग मतलब 6 साल से हम लोग वृद्धा आश्रम में आ रहे हैं और सभी अपने अपने घर से जिसको जो सहयोग बनता है वो लेकर आते हैं। हम लोग इन लोग के बीच बैठकर खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और हम लोग आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग आज हनुमान चालीसा और गायत्री पाठ से हम लोग शुरू किए हैं आज के कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम जो है हनुमान चालीसा गायत्री पाठ से इसलिए शुरू किए कि आज हम लोगों जो है एक हदस में है कि कोरोना काल में अगर कोरोना काल को भगाना है तो राम भगवान के नाम लेना है और बजरंग बली के नाम लेकर हम लोग कोई भी काम करते हैं, इसलिए कि वो कोरोना जहां से आए वहीं चला जाए, यही हमारा कामना है और सब सुरक्षित रहे यही हमारा कामना है। हनुमान जय, हनुमान जय श्री राम। से 6 साल से आ रहे हैं और यहाँ आकर हम लोग टेलको महिला मंडली हनुमान मंदिर से और स्वदेशी जागरण से राजपति दीदी हैं, गायत्री परिवार से जसवीर बहन हैं, हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर इन लोग का दुख सुख हर चीज़ का हाल चला चल लेते, जो भी हमसे संभव हो सकता है, चाहे रुपये से हो या सामान से हो या खाने पीने का हो, सहयोग करते हैं।